जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। आज हूँ लड्डू गोपाल के लिए सुंदर माला बनाने की सिखाऊंगी। इसके लिए हमको चाहिए ब्लू कलर के मोती, व्हाइट पर्ल मोती, धागे की रील और कैंची। अब मैं लड्डू गोपाल के लिए माला बनाने के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें पहले 7 मोती लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने 7 मोती ले लिए है इस तरह। अब जो पहला वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह। पहला वाला मोती है, 3 मोती हमारा आगे रहेंगे और 1, 2, 3, 4 ये पीछे रहेंगे। अब हम 5 मोती लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 मोती ले लिए हैं और जो बीच का मोती है ब्लू कलर का उसमें से सुई निकालेंगे। अब फिर से 5 मोती लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 5 मोती ले लिए हैं। अब हमें ये 3 मोती गिने हैं, उसमें से ये मोती छोड़कर यहाँ से सुई निकालनी है इस तरह, इस तरह। वापस 2 मोती में से सुई निकलेगी हमारी। जो 5 मोती लिए हैं उसमें से वापस 2 मोती में से सुई हम निकाल लेंगे इस तरह। अब फिर से हम 5 मोती लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह 5 मोती ले गए। ये बीच वाला 3, यहाँ 3 मोती है, बीच वाला मोती में से सुई निकालेंगी हम इस तरह। अब 3 मोती लेंगे। 1, 2, 3 3 मोती लेके ये जो 3 मोती है 1, 2, 3 उसमें से बीच में से सुई निकालेंगे। अब 5 मोती लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 मोती लेकर जो ये 3 मोती है उसमें से एक वाला मोती छोड़कर फिर से ये मोती में से सुई हमारी धागे में से ही सुई निकालनी है, सॉरी मोती में से नहीं। फिर से ये 2 मोती है उसमें से सुई निकलेगी हमारी वापस इस तरह बनेगी। अब फिर से हम 5 मोती लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 मोती लिया है और जो बीच वाला मोती है उसमें से सुई हमारी निकलेगी। अब फिर से 3 मोती। 1, 2, 3 और ये बीच वाला मोती है उसमें से सुई निकलेगी। हम पांदड़ी बनाने जा रहे हैं। 1, 2, 3 और जो ये बीच वाला मोती है उसमें से हमारी सुई निकलेगी इस तरह। अब फिर से 5 मोती लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 मोती लेकर ये जो एक मोती से उसको छोड़कर धागे में से सुई निकालकर वापस 2 मोती 3 मोती में से सुई निकलेगी अब हमारी सॉरी हम 4 मोती में से सुई निकालेंगे इस तरह। अब हम 3 मोती लेंगे। 1, 2, 3 और ये 3 मोती है उसमें से बीच का मोती में से सुई निकालेंगे। अब फिर से 3 मोती लेंगे। 1, 2, 3 और ये बीच वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे। फिर से 3 मोती लेंगे। 1, 2, 3 और जो ये बीच वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे। अब हमें जो लास्ट में 3 मोती ले है उसमें से 2 में से वापस हम सुई निकालेंगे इस तरह। अब फिर 3 मोती लेंगे। 1
दो तीन, और ये बीच वाला मोती है, तीन मोती लिए थे उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह। फिर से तीन मोती लेंगे, एक दो तीन, और ये तीन मोती है उसमें से सुई निकालेंगे। फिर वापस हम तीन मोती लिए हैं उसमें से दो मोती में से वापस सुई निकाल लेंगे, और फिर से तीन मोती लेंगे, एक दो तीन, और जो बीच वाला मोती है उसमें से सुई निकलेगी। ये हमारी पंडली कंप्लीट हो गई है, अब देख सकते हो हमारी। अब हम यहाँ नोट लगा लेंगे, एक दो तीन बार नोट लगा लेंगे इस तरह की। हमें कुल पांच पंखी चार पंख बनानी है, चार पांदड़ी। ये हमारी दूसरी पंख दूसरी पांदड़ी पर पूरी चैनल हो रही है। ये माला जी बहुत ही सुंदर लगती है, यूनिक है, नई डिजाइन ही है, आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। पहले हमने ये पूरी पंख नहीं बना, पांदड़ी की तो वो बना लेनी है। अच्छा, फिर हम सब पांदड़ी को जॉइंट करेंगे। अब ये हमारी चार पांदड़ी बन गई है। अब हम ये चार पांदड़ी को जॉइंट करके हम माला जी बनाएंगे। इसके लिए पहले हमें उसमें से सुई निकालेंगे, और वापस ये हमारी नोट लगा ली है। पहले हमें एक पल मोती लेना है, फिर एक सफ़ेद, फिर पल, फिर ब्लू, फिर एक पल लेना है, और ये हमारी जो दूसरी पंगड़ी है उसका जो बीच का मोती है उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह, अब देख सकते हो। फिर से एक पल मोती लेती हूँ, एक ब्लू, एक पल, एक ब्लू, और फिर से एक पल इस तरह। और फिर से जो हमने मोती लिया है यहाँ वहाँ से फिर से सुई निकालनी इस तरह जॉइंट होगा, आप देख सकते हो इस तरह जॉइंट होगा। अब और इसमें से दो बार मैं सुई निकालेंगी, दो बार सुई निकालूंगी। पांदड़ी जॉइंट थी गई है हमारी। अब मैं यहाँ से कैंची से धागा काट लूंगी इस तरह। अब दूसरी भी दो पंखड़ी है इस तरह जॉइंट कर लूंगी। ये दोनों हमें चार पंख जॉइंट कर ली है। अब ये इस तरह जॉइंट होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमें ये बीच का मोती है उसमें से सुई निकालनी है, और फिर एक वाइट मोती लेना है, फिर ये बीच का मोती है उसमें से इस तरह, और वापस वाइट लेंगे, ब्लू लेंगे, वाइट लेंगे, ब्लू लेंगे, और वाइट लेंगे इस तरह। आप देख सकते हैं, फिर से ब्लू, वाइट, ब्लू, वाइट, ब्लू और वाइट। ये मोती ले ली है, और जो हमने यहाँ से स्टार्ट की है उसमें से फिर से सुई निकाल लेंगे इस तरह। अब मैं यहाँ लटकन बनाऊंगी, इस तरह हमारा जॉइंट हो गया है। फिर से हम सुई निकाल लेंगे, सुई निकाल लेंगे,
तक हम पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो मैं मोसो निकाल लिए। अब मैं लटकन बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं 3 मोती ब्लू लूंगी, 5 और 1 पल मोती लूंगी, और फिर से 3 मोती ब्लू लूंगी, 1 2 3, और वापस ये वाइट मोती है उसमें से, और 5 मोती ब्लू लिया है उसमें से सुई निकाल लूंगी इस तरह। अब ये वाइट मोती है उसमें से सुई निकाल लूंगी, फिर से 5 ब्लू लूंगी, 1 2 3 4 5, और 1 व्हाइट पल मोती लूंगी, फिर से 3 ब्लू लूंगी, 1 2 3, और इसमें से सोई, फिर से पल मोती और 5 ब्लू मोती ले हैं उसमें से सोई निकाल कर ये इट साइड सोई निकलेगी हमारे। फिर से ब्लू 5 मोती लूंगी, 1 2 3 4, सॉरी ये ब्लू मोती में से मेरी सुई निकल गई है। एक दो तीन चार पाँच, एक वाइट पल मोती और 3 ब्लू, 1 2 3, इस तरह। फिर से ये पल और वाइट मोती में से भी निकल, और फिर से हम वापस ब्लू मोती, पल मोती और ब्लू मोती में से सुई निकाल लेंगे। इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं। आप यह छोटे भी बना सकते हो, छोटे छोटे भी बना सकते हो। आपके लड्डू गोपाल छोटा हो तो छोटे लटकन भी बना सकते हो, और बीच में पदक भी लगा सकते हो। ये आपको लटकन नहीं लगाना है तो ये राउंड है, वहाँ पदक भी लगा सकते हो आप। अब मैं ये माला कंप्लीट हो गई है, जॉइंट हो गई है हमारी माला। अगर आपको यहाँ से छुट्टी लगती है हमारी माला, जॉइंट करनी है आपको फिर से जी, तो यहाँ ये मोती है, बीच का मोती, वहाँ से मैं जॉइंट कर लूँगी, आप देख सकते हो। और इस तरह रखनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जॉइंट रख सकते हो तो यहाँ मोती जॉइंट कर देते हैं, देख सकते हो। अब यहाँ नोट लगाकर हमारी माला पूरी हो गई है। आपको हमारी ये माला पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पीछे से भी हमारी माला ज्वाइंट कर लेंगे। इसके लिए हमें ब्लू कलर के 7 मोती लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे। अगर आपके जो बड़ी रखनी है तो आप यहाँ झाझा मोती डाल सकते हो। मैंने लड्डू गोपाल छोटे हैं तो मैंने इस तरह ही ज्वाइंट कर ली है। ये माला आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लगती है, अच्छी लगती है माला कान्हा जी को। अगर आपको मेरी नई नई माला सीखनी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।